जनाब आज चाय के साथ खाने के लिए बहुत ही मजेदार सा केक तैयार कर रहे हैं, तो चलें जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बॉल में 100 ग्राम मक्खन लेंगे। अनसॉल्टेड लें तो ज़्यादा बेहतर है। 100 ग्राम मक्खन शामिल करेंगे बॉल में। उसमें शामिल करेंगे आधा टी स्पून वनीला एसेंस। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब आधा कप पाउडर शुगर लेंगे और वो भी इसमें शामिल कर देंगे और इसको क्रीमी टेक्सचर आने तक मिक्स करेंगे ताकि ये फ्लफ़ी हो जाए और शुगर और मक्खन सब अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए जी कितना अच्छा फ्लफ़ी सा हो गया है हमारा बैटर। बहुत अच्छे से शुगर मिक्स हो गई है। अब इसमें एक एक करके दो अंडे शामिल करेंगे, वन बाय वन। एक साथ नहीं दोनों शामिल करने, एक एक करके शामिल करने हैं और इनको भी मिक्स कर लेंगे। बस अब दूसरा अंडा भी शामिल कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन तमाम चीज़ों को तकरीबन 4-5 मिनट तक अच्छे से विस्क करना है, अच्छे से मिक्स करना है। आप चाहें तो इलेक्ट्रिक ब्लेंडर यूज़ कर लें। तो जनाब ये सब अच्छे से मिक्स हो गया है। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने आधा कप सेल्फ राइजिंग फ्लावर लिया है। इस फ्लावर में आसानी ये हो जाती है कि आपको कोई भी बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती और इससे केक बहुत ज़बरदस्त बनता है, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आपको किसी भी स्टोर से बड़ी आसानी से मिल जाएगा। आधा कप हम सेल्फ राइजिंग फ्लावर शामिल करेंगे और इस फ्लावर में हम शामिल करेंगे एक टेबल स्पून खुश्क दूध। जो आपको पसंद हो वो खुश्क दूध आप इसमें शामिल कर सकते हैं। बस छान के इसको बीच में शामिल कर लेंगे और इसे भी मिक्स कर देंगे, लेकिन इसे ज़रा हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। इसे बहुत ज़ोर से मिक्स नहीं करना, बस हल्के हाथ से इन तमाम चीज़ों में इसे मिक्स कर लेंगे। तो जनाब यहाँ तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं, वेल कम्बाइन हो गई हैं। अब इसे केक के मोल्ड में शिफ्ट करेंगे। मोल्ड को मैंने ग्रीस करके रखा हुआ है, इसमें बटर पेपर लगा दिया है। अब सारे बैटर को इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। अब स्पैचुला को थोड़ा सा पानी में डिप करेंगे और एक हल्की सी लाइन सी बना देंगे। इससे बेकिंग में हेल्प होगी, अच्छे से बेक हो सकेगा केक। बस अब इस केक को प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 से 35 मिनट के लिए बेक करेंगे। ये देखिए जनाब हमारा गर्मा गर्म केक 35 मिनट में तैयार हो गया है और इसकी रंगत देखिए, इसे चेक कर लेते हैं। जी जनाब ये प्रॉपर तैयार हो गया है, ये कुक हो चुका है, बेक हो चुका है और खुशबू ऐसी ज़बरदस्त आ रही है, बस चाय की प्याली की नीड है एक। ये देखिए इसकी लुक देखिए और ये देखें कितना सॉफ्ट है ये। बस इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे और इसे इस मोल्ड से निकालेंगे। ये देखें जी, ये चारों तरफ से देखें कितना ज़बरदस्त तरीके से बेक हुआ है। इसका कलर देखें और ये इंतहाई सॉफ्ट है। ये देखें उठाने से आपको फ़ील हो रहा होगा, ये देखें कितना अच्छे तरीके से ये बेक हुआ है। तो जनाब हमारा बहुत मज़ेदार सा केक तैयार हो गया है। इसे कट करते हैं और चाय के साथ इसे खाते हैं। तो जनाब अब हम इसे काटने लगे हैं। ये देखें कितना मज़ा आ रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त बन गया है ये। इसे कट कर लेते हैं। ये देखें काटते वक्त भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, बस आप इस तमाम तरीके को जो है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए इसे बनाइएगा, तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितना ज़बरदस्त बना है। ये देखें जी कितना लचकदार, ज़बरदस्त, मज़ेदार केक तैयार है। तो जनाब ये बहुत ज़बरदस्त सा केक हमने बना लिया है। आपने देखा स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो करके बनाइएगा तो बहुत मज़ेदार सा केक तैयार हो जाएगा।
तो इसके साथ ही हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो उन्हें लाइक और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये केक बनाने के बाद और इसे देखने के बाद अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला एक और वीडियो के साथ, एक अच्छी ज़बरदस्ती वीडियो के साथ दोबारा आऊँगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।